एसएससी जीडी का महत्वपूर्ण 20 प्रश्न मैं बताने वाला हूँ जीके का, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन, मटकी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा मध्य प्रदेश है, क्योंकि असम, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान ये ऑप्शन दिया गया हुआ। इसका आंसर, राइट आंसर मध्य प्रदेश होगा। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, कौन सी भारत का सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है? इसमें फेडरेस कप है, डुरंग कप है, बीसी रॉयल कप है, संतोष ट्रॉफी है। तो इस चार ऑप्शन में आप लोगों को बतानी है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। तो ये आप लोगों को डुरंग कप जो है आप लोगों को ऑप्शन टू करेक्ट आंसर है। साथ ही साथ एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंटों के लिए चक्षु प्रकाशन की तरफ से बेस्ट बुक जारी किया गया हुआ, जो एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल कॉन्स्टेबल का है, जो आप लोगों को भर्ती 2024 के लिए इंपॉर्टेंट बुक है। स्टडी गाइड जो दिया गया हुआ, इसमें आप लोगों को जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग एवं हिंदी एवं इंग्लिश सभी विषयों पर इंपॉर्टेंट सिलेबस वाइज सिलेबस बताया गया हुआ, जिसमें 2800 प्लस प्रश्न दिए गए हैं, पास सॉलिड पेपर भी दिए गए हुए हैं। साथ ही साथ देखिए आप लोगों को सिलेबस वाइज सिलेबस बताया गया हुआ है, जैसे कि आप लोगों को रीजनिंग से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 40 नंबर के रहेंगे आप लोगों को। जीके जीएस से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 नंबर का रहेगा। प्रारंभिक गणित से पूछे जाएंगे, मैथ से पूछे जाएंगे 20 प्रश्न, 40 नंबर के। हिंदी एवं अंग्रेजी आप कोई भी एक चूज करके ले सकते हैं, 20 प्रश्न, 40 नंबर के। टोटल 80 प्रश्न है, जो 160 नंबर का है। टोटल टाइमिंग 60 मिनट आप लोगों को दिया जाएगा। इसमें आप लोगों को सिलेबस वाइज सिलेबस बताया गया हुआ है, देखिए सिलेबस वाइज सिलेबस दिया गया हुआ है, करंट अफेयर दिया गया हुआ है, जीके दिया गया, रीजनिंग दिया गया हुआ है, जीके दिया गया हुआ है, जीके दिया गया हुआ, रीजनिंग है, साइंस दिया गया हुआ, मैथ मैथ का है आप लोगों को, देखिए मैथ जारी किया गया हुआ, सॉरी मैथ है। सभी पैटर्न वाई पैटर्न आप लोगों को बताया गया हुआ है। साथ ही देखिए आप लोगों को सॉलिड पेपर दिया गया हुआ है, सॉलिड पेपर के साथ साथ शॉर्ट आंसर एंड आप लोगों को दीर्घ आंसर भी दिया गया हुआ, देखिए शॉर्ट आंसर भी आप लोगों को जारी किया गया हुआ। साथ ही साथ आप लोगों को आंसर को अच्छी तरह से भी सॉल्व करके भी बताया गया हुआ है। साथ ही साथ आप इसका सॉल्व भी देख सकते हैं, जैसे मैथ का है तो मैथ का पूरा सॉल्व दिया गया हुआ है। देखिए बुक कॉम्बो है जो, जिसमें आप लोगों को कॉम्बो बुक में आप लोगों को कॉन्स्टेबल का है, असम राइफल का भर्ती 2024 का है। इसमें आप लोगों को 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया हुआ है, सॉलिड 11 सॉलिड पेपर दिया गया हुआ है, 3300 प्लस प्रश्न पूछे गए हुए हैं। 2024 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंटों के लिए ये बेस्ट बुक है। इसका जो है बुक परचेस करने का आप चक्षुबुक.com पर भी जाके आप परचेस कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट अमेजोन के माध्यम से भी आप लोग बुक परचेस कर सकते हैं। ये जो है कॉम्बुक है, इससे आप प्रैक्टिस सेट वगैरह भी मार सकते हैं। एसएससी जीडी का बेस्ट बुक है चक्षु प्रकाशन का, इससे आप तैयारी करिए। और अगर आप लोगों को मैं लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप लोग परचेस कर सकते हैं बुक को। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न में पूछा गया हुआ है, केरल गार्ड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है? केरल गार्ड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आप लोगों को शशि थरूर या जीत थारीली या सुधा मूर्ति या कठांची शिवाजी शिवकार पलली। तो यह है शशि थरूर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा आप लोगों को। मेहनी अटम नृत्य में किस महासमुंद्रियों का उपयोग किया गया है, जो हस्तलक्षण दीपों का ग्रहण में से लिया जाता है? तो ये जो है आप लोगों को 24 लिया गया हुआ है, 24। भारत का एथलीट समवेद वेद वर्णन किस खेल से संबंधित है? भारतीय एथलीट समवेद वर्णन किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस, हॉकी, लॉन टेनिस, फुटबॉल, ये चारों में से आप लोगों को बतानी है किससे संबंधित है। तो ये आप लोगों को करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस, लॉन टेनिस से संबंधित ये है। होली रंगों का त्यौहार है जिसे हिंदू माह में मनाया जाता है, किस माह में मनाया जाता है? तो ये आप लोगों को करेक्ट आंसर होगा फगुआ, फगुन, फगुन में ये जो है होली का महोत्सव मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, बोला गया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम का पहली बार कब गाया गया था? 1896, 1896, 1896, 1899, 1899, 1898 या 1897 में गाया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा 1896 इस करेक्ट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष महिला थी वो कौन बनी थी? तो नीली सेन गुप्ता, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू या एनी बेसेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एनी बेसेंट, पहली बार जो महिला थी बनी थी कांग्रेस अध्यक्ष का। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा कब दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष से इस्तीफा कब दिया था? 1938 में, 1939 में, 1940 में या 1937 में? आप लोगों को करेक्ट आंसर जो होगा 1939 में कांग्रेस से इस्तीफा सुभाष चंद्र बोस ने दे दिया था। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिक को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने का स्वतंत्रता देती है, मतलब जीविका या व्यापार करने का स्वतंत्रता देती है? अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 20 में या अनुच्छेद 21 में या अनुच्छेद 22 में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 19 में, यह करेक्ट आंसर आप लोगों को होगा। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है? तो अनुच्छेद 300A में यह किया गया हुआ है। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना दूरी है? 50 मिलियन, 20 मिलियन, 150 मिलियन, 100 मिलियन? तो यह करेक्ट आंसर आप लोगों को होगा 150 मिलियन आप लोगों को करेक्ट आंसर, जो पृथ्वी
सूर्य पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन दूर है। भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है, दक्षिणी सिरे के क्या नाम है? तो ये आप लोगों को चार ऑप्शन दिया गया है, काराकोरम या इंदिरा प्राइट या कैलीमेरियर प्राइट या इंदिरा कॉल। ये चारों में से आप लोगों को करेक्ट आंसर जो है इंदिरा इंदिरा पॉइंट पॉइंट जो है करेक्ट आंसर। भारत में श्वेत क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड फ्लड के नाम से जाना जाता है, ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई के लिए कौन सा परियोजना बनाई गई है? सतलुज नदी घाटी पर कौन सी परियोजना बनाई गई है? तो ये आप लोगों को करेक्ट आंसर जो होगा भाखड़ा नगल परियोजना बनाई गई है। भाखड़ा नगल परियोजना जो है सतलुज नदी पर यह बनाई गई है सिंचाई के लिए। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का ओरिजिनल नाम है क्वाटिजे। निम्नलिखित में से किसकी जांच विडाल स्टेट से किया जा सकती है? ती है निम्नलिखित में से किसकी जांच विडाल स्टेट से किया जाता है? तो ये आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टाइफाइड बुखार को जो है जांच किया जाता है, टाइफाइड बुखार को ही जांच किया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का प्रथम महासचिव कौन बने थे? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का प्रथम जो सचिव थे एस्टेल सेल्टेट सोलो बने थे, सेल्टेट सोलो बने थे प्रथम। हाल ही में किस क्रिकेट का टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन 2023 का खिताब जीता है? तो हाल ही में जो है ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर जीता था वर्ल्ड कप। घाई सहयोग गठन का नौवां स्थापना अस्थाई सदस्य देश कौन बने हैं? तो इसका जो है ईरान बना है, एसईओ का नौवां अस्थाई सदस्यता जो है ईरान को मिला है। ये जो है आप लोगों को 20 इंपॉर्टेंट जीके का एसएससीजीडी का क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसी तरह जीके का प्रश्न देखने एवं मैथ रीजनिंग से संबंधित जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में धन्यवाद।